यार इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, इसमें काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग के लिए शेयर किया है। यार सीसेट आज की डेट में बहुत ही बड़ा एक हर्डल बन चुका है ना, काफी ज्यादा एक बैरियर बन चुका है। ये हैबिट ट्रैकर आपको अगर पसंद है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, आप भी बना सकते हो इसको अपने घर पे, और या फिर आप बोलोगे तो मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। पहले खत्म कर लेना है पॉलिटी को 20 मई तक खत्म कर लेना है, इकोनॉमिक्स को 15 जून तक खत्म कर लेना है, हिस्ट्री को 5 अगस्त। इसको इतना क्या ट्रेंड है, कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं और कितने क्वेश्चन मेंस में आते हैं, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड और एटॉमिक हैबिट्स के बारे में बहुत ही सुना हूं, और यूट्यूब पर भी सर्च किया तो काफी रिकमेंडेड था, इसलिए मैं ले लिया हूं। और मैं आ जाता हूँ अपने छत पे कुछ वीडियो को एडिट करने, और वीडियो एडिट करना है तो मैं सोचा कि क्यों ना जाके छत पे टहलते टहलते वीडियो को एडिट करूँ, ताकि मेरा मूड भी फ्रेश हो जाए, और बिल्कुल जैसो जो दिन भर रूम में बैठे बैठे जो मूड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है तो उसका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। यार हेयर मेरे काफ़ी अनमैनेजेबल हो चुके थे और बड़े हो चुके थे, तो उसको मैं अपने सेट करवाने के लिए सैलून चला आया हूँ, और जो कि सेट हो चुका है, तो ये कल रात को ही मैंने करवा लिया था। तो यार फाइनली वीडियो एडिटिंग शुरू कर देते हैं अपने छत पे, और छत पे आज काफ़ी अच्छा मौसम है, ये शाम का टाइम है, और वीडियो एडिट करके टाइम पे अपलोड करना जरूरी है, अदरवाइज यूट्यूब का एल्गोरिथम मेरे चैनल को बार बार लो कर देता है, व्यूज़ अच्छे आते हैं कभी लो आते हैं। खैर कोई नहीं, यार इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग के लिए शेयर किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के बारे में, क्योंकि यार पढ़ाई तो अभी भी हो रही स्ट्रैटेजी से, लेकिन अभी जो पढ़ाई हो रही है उसमें कोई डेडलाइन नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट को कितने दिन में खत्म करना है, कब तक उसको फिनिश कर देना है। स्ट्रैटेजी बनाऊंगा उसमें, और उस स्ट्रैटेजी में अगर आप लोगों को कुछ भी फीडबैक देना तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चला आता हूँ अपने रूम पे, और सीसेट का भी मैं लेक्चर देखता हूँ, क्योंकि यार सीसेट आज की डेट में बहुत ही बड़ा एक हर्डल बन चुका है ना, काफ़ी ज़्यादा एक बैरियर बन चुका है, क्योंकि बहुत लोग सीसेट की वजह से अपना प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो, तो इसलिए मैं सीसेट के लिए शुरू से तैयारी शुरू करना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ कि मुझे कैसे पढ़ना है सीसेट को, बुक से पढ़ना है या क्लास के लेक्चर करना है, या पीडब्ल्यू हालांकि दे चुका है मुझे लेक्चर सीसेट के, तो उसी को मैं देख रहा हूँ कि वो लोग ठीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं, या फिर मुझे सेल्फ करना होगा। तो अब शुरुआत करते हैं अपने स्ट्रैटेजी की। तो यार स्ट्रैटेजी को मैं शुरू करता हूँ बनाना, और इसमें पूरा बारीकी से एक एक चीज़ को लिख लेता हूँ, ताकि कहीं पर कोई भी चीज़ छूटे रह पाए और कोई भी मिस्टेक मेरे से ना हो पाए, और सब कुछ टाइमली कंप्लीट होता जाए। तो यार इसको मैं कैसे बनाया हूँ, कैसे फॉलो करने वाला हूँ, ये सब कुछ समझते हैं, आइए। तो फाइनली दोस्तों अपना हैबिट ट्रैकर बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, और ये देख सकते हैं मैं कुछ प्रिंट आउट निकाल लिया हूँ ये, और इस शीट में जो है सो मैं डेली का रूटीन फॉलो करूँगा, उसके बाद फिर वीकली भी हैबिट्स जो है उसको भी लिख लिया और मंथली हैबिट्स भी लिख लिया हूँ। अब इसमें करना क्या है कि जैसे कि ये डेली हैबिट्स है, तो मैंने पूरा नंबरिंग दे दिया 1 to 10। अब 2 बजे से, दिन के 2 बजे से 3:30 बजे तक मुझे रिवीजन करना है, वो लिख लिया, रिवीजन हो जाएगा तो बस यहाँ टिक कर दूंगा। ये 1 तारीख है, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, ऐसे करते करते पूरा यहाँ पे 31st तक आ चुका है। और ये जो पूरा सीट है ये पूरे 1 मंथ का है, और जो कि अप्रैल मंथ का है, 1 अप्रैल से चालू होने वाला है। तो मैंने पूरा अपना जो भी डेली करने वाला, जैसे कि रिवीजन है, सी सेट की क्लास है, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ जो पढ़ेंगे वो हो गया, फिर रिवीजन हो गया, रिवीजन दो दो टाइम है, क्योंकि एक टाइम है जो करंट में जो भी चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में उसका रिवीजन, और ये रिवीजन जो पीछे मैं पढ़ चुका हूँ जो भी कुछ तो उसका रिवीजन यहाँ पे करना है। फिर उसके बाद लेक्चर है इसके, फिर हाँ उसके बाद फिर जो भी क्लास मैं कभी प्रेजेंट टाइम में कर रहा हूँ उसके डेली 2 या 3 लेक्चर कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद 6 बजे मॉर्निंग में सोना है, और 12 बजे नून में उठ जाना है, दिन उसके बाद 12 से 2 में नहाना धोना ये सब चीज़ अपना फैशन अप वाला काम हो जाएगा, उसके बाद फिर से यही वाला यहाँ पे 12 बजे से 2 बजे तक काम करके फिर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे ये वाला दिन शुरू हो जाएगा ये। और इसमें है फिर 30 मिनट एक्सरसाइज करना है, लेकिन एक्सरसाइज जो है सो ये मैं ईद के बाद शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि यार ईद तक अभी रमज़ान का टाइम है तो बॉडी में एनर्जी वैसे भी नहीं रहता है कि मैं अभी एक्सरसाइज कर सकूँ, तो इसके जगह मैं अभी कोशिश करूँगा कि योगा शुरू कर दूँगा डेली 10 मिनट योगा करूँगा अभी, और योगा को फिर कैरी ऑन भी करूँगा आगे भी एक्सरसाइज के साथ। और 2 से 3 पेज टारगेट लिया हूँ कि डेली 2-3 पेज जो है सो बुक रीडिंग करूँगा, और बुक रीडिंग के लिए मैंने कुछ बुक ऑर्डर किए हैं जो कि आ चुका है, वो मैं अभी आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि कौन सी बुक है। और वीडियो मेकिंग एडिटिंग वगैरह अपलोडिंग वगैरह काम जो है सो वो भी डेली बेसिस पे करना है। और वीकली ये हो गया मेरा डेली टारगेट, और ये डेली टारगेट बोल दो इसको, चाहे फिर आप मेरा रूटीन बोल दो, डेली का रूटीन बोल दो, है ना। और ये हो गया हैबिट, वीकली हैबिट। तो इसमें क्या क्या है, जैसे ज्योग्राफी के लेक्चर मुझे कंप्लीट कर लेना है, 4 सीसेट का क्लासेस कंप्लीट कर लेना है, 15 पेज बुक रीडिंग कंप्लीट कर लेना है, 2 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देना है, और एक मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, इसमें मैं कुछ इंक्लूड करने वाला हूँ जो आगे कुछ नया आइडिया मिलेगा तो उसको। और फिर ये मंथली है, मंथली में ये पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी इस महीने में मुझे ज्योग्राफी कंप्लीट कर देना है 1 रिवीजन के साथ, फिर और साथ में 30 लेक्चर ऑफ पॉलिटी, यानी पॉलिटी के 30 लेक्चर कंप्लीट कर देना मैक्सिमम, ये मैक्सिमम लिखा हूँ यहाँ पे 30, है ना, 25 हो जाएगा तो फिर ओके है। और 15 लेक्चर सीसेट के कंप्लीट हो जाने चाहिए अप्रैल महीना के खत्म होते तक में, और 60 पेज ये मैं थोड़ा ज़्यादा लिख लिया हूँ, लेकिन इसको जैसे आगे से रिड्यूस कर सकता हूँ, क्योंकि बुक रीडिंग देखते हैं वो पाता है कि क्या उसके हिसाब से। और फिर उसके बाद है बैलेंस्ड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ,
क्योंकि मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ही पूरा ख्याल रखूंगा इस जर्नी में, क्योंकि यार जब तक मेंटली फिट नहीं रहेंगे, फिजिकली हेल्दी नहीं रहेंगे, तो फिर कोई भी चीज़ पढ़ाई कोई भी चीज़ सही से होगा नहीं। एक दिन बुखार लगने की वजह से आगे के दो तीन दिन का पढ़ाई पूरा डिस्टर्ब होता है, तो मैं चाहूँगा कोई भी ऐसी गलती ना करूँ जिसकी वजह से मैं बीमार पड़ जाऊँ। और सर्दी खांसी है तो सर्दी खांसी तो यार साल भर लगा रहता है आना जाना, तो उससे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और यहाँ पे कुछ खाली स्पेस है, जब पूरा मेरा मंथ में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब ये पूरा तो मतलब क्या क्या इसमें सीखने को मिला जो मैं आगे के नेक्स्ट जो हैबिट ट्रैकर मेरा रहेगा नेक्स्ट मंथ का, उसमें मैं और क्या इंक्लूड कर सकता हूँ या इससे क्या सीखने को मिला, इसमें क्या इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ, तो कुछ भी वो जो एक नोट्स होगा नोट्स के टाइप पे वो उसको यहाँ पे मैं ऐड कर मतलब इसमें ऐड करता चला जाऊँगा, लिखते चला जाऊँगा। और ये डेट लिखा हुआ है जो टिक करते जाऊँगा, जैसे ये काम हो गया आज, यहाँ टिक करते जाऊँगा, ऐसे टिक लगाते हुए पूरा ये पूरा फील हो जाएगा। तो ये हैबिट ट्रैकर आपको अगर पसंद है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, आप भी बना सकते हो इसको अपने घर पे, और या फिर आप बोलोगे तो मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा ये वाला सीट, है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना कि अगर आपको ये सीट अगर लगे तो मुझे बता सकते हो, मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा ये हैबिट ट्रैकर, और काफ़ी अट्रैक्टिव है। और दूसरा चीज़ ये है कि आज ये भी चीज़ मैंने एक लगा लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये मेरा डेडलाइन है कि कौन से सब्जेक्ट को, इससे पिछले वाली वीडियो जो मैं अपलोड किया था उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि मेरा कोई भी डेडलाइन नहीं है कि किस डेडलाइन पे मुझे पढ़ना है, किस डेडलाइन पे तब क्या करना है, ये नहीं पता था। तो इसलिए मैंने लिख लिया कि ज्योग्राफी को 20 अप्रैल तक खत्म कर लेना है, पॉलिटी को 20 मई तक खत्म कर लेना है, इकोनॉमिक्स को 15 जून तक खत्म कर लेना है, हिस्ट्री को 5 अगस्त, इसको इतना लंबा टाइम इसलिए दिया हूँ क्योंकि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है और आर्ट एंड कल्चर, इसलिए इतना ज़्यादा लंबा वक्त दिया हूँ, इसको 5 अगस्त तक खत्म कर लेना है। फिर साइंस एंड टेक को 31 अगस्त तक और एनवायरनमेंट को 15 सितंबर तक कंप्लीट कर लेना है। ये हो गया अपने कोर टॉपिक हो गया जो मोटा मोटी है ना, जो मेन सब्जेक्ट है। इसके बाद बहुत सारे छोटे मोटे सब्जेक्ट बचाते हैं, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है और सोशल जस्टिस है, सोसाइटी है, ये सारी चीज़, तो उसके लिए मैं 2 महीना उसके लिए एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो ये मेरा सिलेबस 15 नवंबर तक चले जाएगा, फिर उसके बाद मैं अपना ऑप्शनल की तैयारी करूँगा, जो ऑप्शनल मेरा चलेगा फरवरी तक, फरवरी में ऑप्शनल ख़त्म कर देना है और फिर उसके बाद प्रीलिम मोड में आ जाना है 25 में, है ना। तो ये सब कुछ है। और एक और चीज़ मैंने साथ में बनाया है, ये चार्ट में बनाया इसलिए हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि क्या ट्रेंड है, कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं और कितने क्वेश्चन मेंस में आते हैं, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या नोट्स है उसको लिख लूँगा कि कहाँ से उसको कवर करना है, सोर्स के नेम लिख लिया हूँ यहाँ पे। ये सब्जेक्ट है, ये पीटी का है कि पीटी में कितने क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स वाले आते हैं, मेंस में कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं और उसका सोर्स क्या है, ना। तो वो सब चीज़ में बना लिया। जैसे आर्ट एंड कल्चर है, तो आर्ट एंड कल्चर पीटी में 5 से 15 क्वेश्चन का ट्रेंड है, मिनिमम 5 आया, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आ सकता है इससे, है ना। और मेंस में 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स का या 50 मार्क्स का आ सकता है। और एंशियंट हिस्ट्री सिर्फ 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में कुछ भी नहीं आता है। मेडिकल हिस्ट्री 2 से 7 क्वेश्चन आते हैं पीटी में और मेंस में कुछ भी नहीं आता है। और उसके सोर्स से ये सब सोर्स लिखे हुए, तो ये सोर्स आप अपना पर्सनल, आपका पता नहीं क्या पसंद होगा, आप अपने चॉइस के हिसाब से देख सकते हैं, या फिर आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो उस पर आप रिलाई कर सकते हैं। इसी तरह के सारे सब्जेक्ट का ही है, मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप इसको चाहे तो इस ट्रेंड को लिख सकते हैं आप अपने फर्दर नॉलेज के लिए। और इसी तरीके से ये नेक्स्ट है, एक एक सब्जेक्ट का मैंने लिख लिया है, किसी भी सब्जेक्ट को मैं छोड़ा नहीं, ये सारे ये इसको बहुत रिसर्च करके मतलब काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के और फिर खुद से मतलब पीडीएफ वगैरह नेट डाउनलोड करके मैं इसको पूरा रेडी किया हूँ, तब जाके ये सब हुआ है पूरा एकदम A to Z प्रोग्राम है। ये देख सकते हैं यहाँ पे कि कितने कितने मार्क्स का क्या है नहीं है कैसे है, ये सारा कुछ कितने मार्क्स का है, तो एवरी थिंग जो है मैं इसमें सब कुछ लिख चुका हूँ। तो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख सकते हैं। और ये हैबिट ट्रैकर अगर आपको पसंद आया है, अगर आपको भी इसको फॉलो करना है तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीकली 2 videos या 3 वीडियो मैं लाने वाला हूँ और उस वीडियो के थ्रू आप मेरे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस रूटीन को, मेरे बताए हुए रूटीन को अगर फॉलो करना है, रूटीन ये जो उठने का, सोने का, पढ़ने का, ये आप अपना देख सकते हैं ना, आप अपने टेम्परामेंट के हिसाब से जो आपको सूट करें, बाकी ये मेरे हिसाब से है। तो अगर ऐसा लगे तो अच्छा लगे तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज अपना पर्सनल बना सकते हैं। और ये ट्रैकर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कमेंट बॉक्स में अगर बोलिएगा तो, बुक रीडिंग का। तो बुक रीडिंग के लिए मैंने अमेजोन से ये 2 बुक मैंने ऑर्डर किया, जिसमें एक एटॉमिक हैबिट है जो काफ़ी लोग मुझे रिकमेंड किए हैं, तो मैं इसको पढ़ना शुरू करूँगा। और एक है थिंक एंड ग्रो रिच, ये बुक का मुझे पहले से पता था कि इस बुक को मैं पहले लगभग आधा पढ़ चुका था, लेकिन जो बुक से पढ़ा था वो मेरे फ्रेंड का था, तो वो मेरा फ्रेंड मुझसे बुक ले लिया है, तो ये मैं अपना पर्सनल परचेस कर लिया हूँ। और एटॉमिक हैबिट के बारे में मैं बहुत ही सुना हूँ और यूट्यूब पर भी सर्च किया था, तो काफ़ी रिकमेंडेड बुक था, इसलिए मैं इसको ले लिया हूँ और इसको जो है सब पढ़ना शुरू करेंगे। हालांकि इसके लिए कोई मैं स्पेशल टाइम नहीं निकाला हूँ, कोशिश करूँगा बीच में कभी बोर हो जाऊँगा पढ़ने से तो बीच में 1-2 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज करके ऐसे पढ़ते रहूँगा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अदरवाइज कोई लोड नहीं लेना है मुझे इसका, मूड होगा तो पढ़ूंगा अदरवाइज नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट है कोई चीज़ तो वो है ये कंप्लीट होना चाहिए, इस पर राइट कर टिक एवरी डे लगना चाहिए, बाकी इस पर लगे या ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस शौक के लिए है बस और कुछ नहीं। तो अगर वीडियो यार पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और किसी से टाइप की कोई रिलेटेड इन सबसे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आ सकते हो। और इसका सफ़र 1 अप्रैल से चालू होने वाला है और आज 31 मार्च है,
ना आज, हाँ आज 31 मार्च है, तो ये वीडियो आप आज मिल जाएगा आप लोग को, तो कल से मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं इस रूटीन के हिसाब से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।